Before one in the morning. अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। जो रात में प्रॉब्लम हुआ है, जो इश्यूज मॉर्निंग हम सबको मालूम हुआ है, जिस तरह से मॉर्निंग मुझे 9 बजे मालूम चलते कि मैं इमीडिएट पहले एसपी को बात किया, डीएसपी को बात किया, सभी पुलिस डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बात करके इसको बहुत ही सीरियस इश्यूज है इससे, क्योंकि इधर में कई सालों से बहुत ही अमन शांति प्यार, कर्नाटक में मैं समझता हूँ इधर का नाम लिया जाता था कि इधर बहुत ही अमन है, बल्कि इसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अचानक रात में कुछ बदमाश लोग इस तरह से किए हैं, और जो भी समाज में किसी के फेस्टिवल में, हर समाज के फेस्टिवल में हम सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह से होते हैं, जो भी बदमाशी किए हैं उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड है और उसको सीरियस एक्शन लेते बल्कि डिपार्टमेंट बोले हैं पुलिस डिपार्टमेंट। तो सुबह से मैं ऑलरेडी इस इश्यूज पे लगे हुआ था, और जिस तरह से मालूम होते कि मैं सभी हमारे बिदर के मोजिस भाइयों से और हमारे काउंसलर से सभी को बात करके बोला, मैं पहले आप जरा स्पॉट विजिट करके मुझे बताइए, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी कंटिन्यू पुलिस डिपार्टमेंट को भी सुबह में फ़ोन करके, उनके ऑफिसरों को भी 2-3 जनों को उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो वो लोग भी सर हमको भी पता नहीं है रात में कितने बजे हुआ बोलते, अभी हम फौरन उधर जाते हैं बोलते जाएंगे। सर अभी सुबह से बिदर की पब्लिक ये समझ रहे हैं बैंगलोर में है, और बिदर में तो सर अभी स्पॉट की विजिट नहीं की है। नहीं, मैं यहाँ पे मुझे मालूम था, क्योंकि पहले जिस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से मैं ऑलरेडी बात करके मैं ऑलरेडी हमारे लोगों को भेजा हूँ वहाँ पे देखने के लिए, और वो देख के मुझे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और मैं अभी एसपी साहब को भी मिला हूँ, डीएसपी को सुबह बात किया हूँ, तो इस ऐसे चीज़ों को इमीडिएट एक्शन लेने के लिए बोला हूँ, और वो 100% लेंगे एक्शन। सर वो जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें पुलिस की गाड़ी भी है सर, पुलिस की मौजूदगी नहीं है कहाँ नहीं, वही बताए, वो पुलिस जो सब इंस्पेक्टर उसकी मौजूदगी में हुआ है वो बोल रहा है, मुझे ऐसा पता नहीं था सर बोल के बोला है, क्योंकि उसको बोले हैं कि उसके बारे में इंक्वायरी चल रही है कि हम हर बार जाते बोल के कुछ ऐसा कंफ्यूज किए हैं, तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। आप भी 15 साल से मिले हैं सर, तो आपके अंदाजा में होगा कि वहाँ पे हर साल होता है या नहीं? नहीं, वहाँ पे नहीं होता, कतई नहीं होता, तो इस बार जिस तरह से होना बोल के बदमाश लोग आने वाले हालात को देखते हुए ये पूरे हर जगह पूरे देश में भी हो रहा है, और कर्नाटक में भी कई जगह हुआ है, आपको सभी को पता है, तो इधर में अब तक नहीं हुआ था, तो यहाँ पे भी ऐसा कोशिश किए हैं, और यहाँ के सभी लोग अमन और शांति से रह के उसको लीगल एक्शन लेने के लिए सभी लोगों का प्रेशर है, मेरा तो प्रेशर है, क्योंकि हम लोग बताना नहीं चाहते हम क्या कर रहे बोलते, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं हिकमत से वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं।